हेलो गाइस, बातन बॉल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। तो भैया, इंसान बोलता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और वहीं पैसा बोलता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। हर चीज़ पैसे पर आके अटक जाती है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हुआ जब श्रीलंका क्रिकेट में पैसों पर आके बात अटक गई और खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ा तो बोर्ड ने भी सुलझाने की कोशिश करी, तो उनका विवाद तो चल ही रहा है। पर क्या आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों ही ये कह लीजिए कांटे की टक्कर की टीमें हैं, जब भी इन दोनों के बीच में मैच होता है तो एक बहुत बड़ी राइवलरी होती है, इन लोगों की सैलरी कितनी है, इंडिया के प्लेयर्स की सैलरी कितनी है, कैसे मिलती है, स्ट्रक्चर क्या है, वहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी मिलने का स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम हमेशा IPL और PSL का तुलना करते रहते हैं और ये बहुत बोरिंग भी हो जाती है यार, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दोनों की जो राशियाँ हैं वो अलग अलग है, स्पॉन्सर्स अलग है, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता दोनों का कंपेयर करने का। लेकिन हाँ, हम बोर्ड्स की सैलरी ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। और देखिए, ये किसी तरह का हेट वीडियो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम को कम सैलरी मिलती है या फिर इंडिया टीम को ज़्यादा मिलती है। सिर्फ एक नॉर्मल सा कंपैरिजन है कि यहाँ के प्लेयर्स इतना कमाते हैं तो वहाँ के प्लेयर्स इतना कमाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको प्लीज़ दिल पे ना लें और गलत ना समझें। तो भैया, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सैलरी से। तो पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही 3 ग्रेड्स बनाए गए हैं जो सालाना सैलरी देती है। अब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ियों को 3 ग्रेड में बांटा गया है। पहला ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड और फिर सी ग्रेड। तो सबसे पहले मैं ए ग्रेड की बात करूं तो जो ए ग्रेड वाला खिलाड़ी है पाकिस्तान में, उसको 46 लाख रुपीज सालाना मिलते हैं। वहीं बी ग्रेड के खिलाड़ी को 28 लाख हर साल मिलते हैं। तो सी ग्रेड में आते आते ये रकम कुल 19 लाख हो जाती है। तो ये तो बात हुई क्रिकेटर्स के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की। पर क्या आप जानते हैं कि क्रिकेटर्स को पर मैच कितना पैसा मिलता है? जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पर मैच कितना पैसा मिलता है, ये इसमें देखिए आप। पर मैच में बात करूँ तो टेस्ट, वनडे और T20 खिलाड़ियों की फ़ीस की अगर हम यहाँ पर तुलना करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने का 3.6 लाख रुपीज़ मिलते हैं। वहीं वनडे मैचेस में ये राशि 2.2 लाख हो जाती है। तो T20 में ये आंकड़ा पहुँच जाता है 1.6 लाख रुपये। और बोनस कितना मिलता है इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये तो थी पाकिस्तान खिलाड़ी की सैलरी, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कौन कौन खिलाड़ी आते हैं, ये शायद आपको BCB की साइट पर बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं विराट एंड कंपनी की, यानी कि ब्लू जर्सी टीम इंडिया की। और फिर मैं आपको बता दूँ, ये कोई हेट वीडियो किसी तरह का नहीं है। तो यहाँ पे भी जो इंडिया टीम है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं टीम इंडिया के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह है। टीम इंडिया में 4 तरह की ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड ए प्लस, फिर आती है ग्रेड ए, फिर आती है ग्रेड बी और फिर आती है ग्रेड सी। तो भैया, जो ग्रेड ए प्लस के प्लेयर्स हैं उनको सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ग्रेड ए के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ की राशि दी जाती है। ग्रेड बी के प्लेयर्स 3 करोड़ कमाते हैं। तो ग्रेड सी के प्लेयर्स 1 करोड़ रुपए सालाना BCCI से लेते हैं। वहीं हर एक टेस्ट मैच खेलने वाले को जो भारतीय टीम से टेस्ट मैच खेलता है उसको पर मैच 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं वनडे मैच खेलने के 6 लाख ऑफर किए जाते हैं और T20 क्रिकेट में ये राशि 3 लाख रुपए पहुंच जाती है। तो अंतर भले ही है लेकिन हर एक टीम का, हर एक बोर्ड का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर एक देश की अपनी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी के हिसाब से बजट में क्रिकेट में कितना जाता है वो डिसाइड होता है और दोनों ही देशों का बजट अलग है। तो ये आपके लिए एक यूज़फुल और छोटी सी जानकारी थी, तो आई होप आप इसको पसंद करेंगे। और जैसे ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का पूरा मैटर सॉल्व होगा तो हम श्रीलंका क्रिकेट के भी आपको सालाना कॉन्ट्रैक्ट और उनकी हर मैच की फ़ीस ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा होगा ये ज़रूर बताएं, साथ ही इस सैलरीज पर आपका क्या कहना है, करोड़ों रुपीज़ पर क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस इज प्रशांत शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।